अभी जो है ना आपको हाइकविजन की मैंने जितना आपको मेन स्क्रीन पर मेन्यू बताई की है। ऑप्शन है ना वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो अभी जो है ना मैं आपको कैमरे ऑनलाइन करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इंटरनेट की जो केबल है ना वो इथरनेट पोर्ट में जो है ना आपने लगा देनी है। जब दोस्तों इथरनेट पोर्ट में आप लगाएंगे तो आपकी ये लाइट जो है ना ब्लू कलर की लाइट जो है ना वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो HDD है ना पहले येलो कलर की होती है, उसके बाद जो है ना ये रेड कलर की जब कवर करना बिल्कुल शुरू हो जाती है, फॉर्मेट हो जाती है, तो रेड कलर की लाइट जो है ना ओपन हो चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तीन लाइटें हैं, दो पावर की और पावर की लाइट जो है ना वो मुसलसल स्टेबल रहती है, HDD की लाइट जो है ना वो ब्लिंक करती है, रेड कलर की होती है। ठीक है, जब आप फॉर्मेट कर लेंगे तो रेड कलर की आपको शो होगी। उसके बाद इथरनेट की केबल लगाएंगे तो ये देखें आपको ये ब्लू कलर की लाइट जो है ना वो नज़र आ रही होगी, ब्लू कलर की लाइट जो है ना वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इथरनेट केबल लगाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि इधर आ जाना है मेन मेन्यू में। ठीक है, राइट क्लिक करना है आपने। ओके, अच्छा दोस्तों आपने इथरनेट केबल जो है ना वो इथरनेट पोर्ट में लगा देनी है। उसके बाद जब ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। उसके बाद जो है ना सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये सेटिंग का साइन है और कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही वर्ड यूज़ होते हैं, इसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेटवर्क पे आना है, नेटवर्क पे क्लिक करें। उसके बाद इधर से DHCP जो है ना उसको ऑन करना है। ठीक है, अगर इधर जो है ना ये गुड का निशान नहीं आया तो आपने इधर जो है ना गुड का निशान लगाना है। आपने क्या करना, सबसे पहले इसको जो है ना DHCP को जो है ना ये आपने ऑफ करके अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपने वापस जो है ना लाइव पे आ जाना है। लाइव पे आने के बाद दोबारा जो है ना कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद नेटवर्क पे क्लिक करना है। आप DHCP जो है ना उसको दोबारा क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, हाई कनेक्ट। ठीक है, हाई कनेक्ट पे आपने क्लिक करना है। हाई कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इधर लिखा हुआ है इनेबल। ठीक है, तो इधर से हम जो है ना टिक का निशान लगाएंगे, इसको इनेबल करेंगे। ये लिखा हुआ आई हैव रीड एंड एग्री टू सर्विस टर्म एंड प्राइवेसी स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस पे आप टिक का निशान लगाएंगे और ओके करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है ना इधर से ये क्लिक हो गया है। उसके बाद सर्वर एड्रेस भी खुद ब खुद आ गया, वेरिफिकेशन कोड भी आ गया। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कोड जो है ना हम इधर से क्लिक करके देखेंगे, ये वेरिफिकेशन कोड जो है ना ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप इधर से देख के वेरिफिकेशन कोड जो है ना एप्लीकेशन के अंदर लगाते हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, इसको अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो दोबारा जो है ना आपने जनरल पे आना है। जनरल पे आके ये जो DHCP है ना ये देखें अभी हाई कनेक्ट पे आए। ठीक है, ये देखें अगर इधर शो ना हो तो आपने एक दो बार क्लिक करना है तो इधर जो है ना इसका आईपी एड्रेस शो हो जाएगा। ठीक है, शो करने के बाद आपने हाई कनेक्ट पे आना है। तो अभी ये देखें इधर ऑफलाइन जो है ना वो शो हो रहा है, ऑफलाइन शो हो रहा है। इससे मुराद ये है कि हमारा इंटरनेट जो है ना वो वर्क नहीं कर रहा। तो अभी जो है ना मैं अपना इंटरनेट चेक करके दोबारा आपके पास जो है ना हाजिर होता हूँ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले जो है ना आपने इधर राइट क्लिक करना है और अपना जो है ना पासवर्ड लगाना है। ठीक है, मेरा पासवर्ड एल है तो मैं अभी पासवर्ड लगाता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन में आना है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपने नेटवर्क पे क्लिक करना है। ठीक है, ये नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद आपने ये जो DHCP है ना इसको सबसे पहले आपने अनचेक कर देना। ठीक है, अनचेक करने के बाद आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने लाइव पे दोबारा क्लिक कर देना। ठीक है, लाइव पे क्लिक करने के बाद आपने दोबारा जो है ना कॉन्फ़िगरेशन में आना है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन में आके आपने नेटवर्क पे क्लिक करना है। ठीक है, नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद आपने DHCP जो है ना इसको चेक करना है दोबारा। ठीक है, इस पे गुड का निशान लगाना है, हम इसको चेक कर देते हैं। अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों इधर जो है ना खुद ब खुद ही जो है ना आईपी एड्रेस जो है ना वो शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद शो करने के बाद अभी आपने क्या करना है, हाई कनेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, हाई कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना DVR जो है ना वो ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये देखें
DVR जो है ना आपका ऑनलाइन शो करवा दिया है। अभी इसकी सिर्फ इतनी सेटिंग है, बाकी जो है ना वो मोबाइल पे जाके जो है ना एप्लीकेशन ओपन करके वो आपको दोबारा जो है ना स्कैन करके, ठीक है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। अगर आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इधर से आप स्कैन कर सकते हैं, डाउनलोड हाई कनेक्ट, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए अगर आप इसकी डिवाइस स्कैन करना चाहते हैं तो आपने जब स्कैन करना है तो सिर्फ इसको स्कैन करना है, ऐड डिवाइस विया हाई कनेक्ट, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए जो है ना DVR की सिर्फ इतनी सेटिंग है। तो अभी जो है ना आप मोबाइल की तरफ जाते हैं, मोबाइल पे जाके जो है ना आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके तो आपको जो है ना कैमरे ऑनलाइन करके मैं दिखाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो है ना अपने मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में आपने नहीं जाना, आपने गूगल क्रोम ओपन करना है, ठीक है। जो प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन मिलेगी वो आपकी कारआमद नहीं होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके इधर आके आपने लिखना है हाइक स्पेस कनेक्ट डॉट ए पी के, ठीक है। तो ए पी के पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद ये सबसे पहले जो है ना हाइक कनेक्ट ऐप डाउनलोड, ठीक है। आपने करना इधर से डाउनलोड नहीं करनी, आपने आना है apkpure.com, ठीक है। इस पर क्लिक करना है आपने, इधर से आपने जो है ना हाइक कनेक्ट की जो है ना एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो इस तरह आपने इस पर डाउनलोड पर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद ये 77 MB की एप्लीकेशन है, ये आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट आ गई, इसको बंद कर लें तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो नीचे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अभी ये देखें शो करवा रहा है डाउनलोडिंग, ठीक है। तो इधर मैंने इसको क्रॉस किया है तो नीचे कह रहा है कि आप इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने ओके पे क्लिक करना है, तो इधर से आपने जो है ना एप्लीकेशन हाइक कनेक्ट की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ये देखें अभी जो है ना ये हाइक कनेक्ट की एप्लीकेशन जो है ना वो डाउनलोड हो रही है, ठीक है। 77 MB की एप्लीकेशन है, तो आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद ये एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है, ठीक है। तो अभी ये डाउनलोड हो रही है, तकरीबन जो है ना 30 सेकंड जो है ना लेगी, अगर आपका इंटरनेट जो है ना अच्छा है तो 30 सेकंड जो है ना वो लेगी। तो देखें ये दोस्तों अभी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो गई है, उसके बाद मैं इसको जो है ना इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो अभी जो है ना एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ये हाई कनेक्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है, हम इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने जो है ना ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। या मैक्सिमम जो है ना आपसे पूछेगा कि आपका कंट्री कौन सा है, तो आपने पाकिस्तान करके जो है ना इधर जो है ना आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने सबसे पहले जो है ना इसको रजिस्टर करना है, ठीक है। तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, ये कह रहा है एग्री, ठीक है। तो एग्री पे क्लिक करता हूँ, इधर आपने अपना जो है ना फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। 3225631459, ठीक है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। तो गेट सिक्योरिटी कोड, ठीक है, गेट सिक्योरिटी कोड पर आपने क्लिक करना है। तो इधर जो है ना आपका सिक्योरिटी कोड जो है ना आपके नंबर पर जो है ना वो मैसेज आएगा, वो कोड आपने इधर लगाना है, ठीक है। दोस्तों सिक्योरिटी कोड जो है ना वो आपने इधर जो है ना मेंशन करना है, ठीक है। सिक्योरिटी कोड मेंशन करने के बाद आपने इधर जो है ना अपना पासवर्ड लगाना है, कुछ भी लगा लें जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। जो आपको पासवर्ड अच्छा लगता है वो आप जो है ना पासवर्ड लगा लें, ठीक है। पासवर्ड लगाने के बाद ओके पे क्लिक करें, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद जो है ना आपने क्या करना है, ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा अलो करें, ठीक है। आपका कैमरा यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने अलो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी जो है ना मैं आपको स्कैन करके जो है ना वो दिखाता हूँ। आपने दोस्तों अभी प्लस के निशान पर क्लिक करना है, ठीक है। प्लस के निशान पर क्लिक करके आपने मेन स्क्रीन पर जाके अपना पासवर्ड लगाना है, ठीक है। पासवर्ड लगाने के बाद आपने जो है ना कॉन्फ़िगरेशन में आना है, उसके बाद नेटवर्क पे क्लिक करना है, उसके बाद जो है ना आपने हाई कनेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। इधर आके आपने जो है ना ये ऐड डिवाइस जो है ना इसको स्कैन करना है, ठीक है। स्कैन करने के बाद जो है ना आप इसको नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करें, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो है ना
वाइड कैमरा जो है ना दूसरे नंबर पे, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद कनेक्ट एंड नेक्स्ट, ठीक है, कनेक्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपको शो होगा अगर आपने इंटरनेट की केबल नहीं लगाई होगी, तो अभी मैं अपने DVR में इंटरनेट की केबल लगा के आपको जो है ना दिखाता हूँ। तो दूसरे नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह जो है ना एडिंग कम्प्लीट आ जाएगा, ठीक है। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप जो है ना ये डिवाइस आपकी ऐड हो गई है, ठीक है। डिवाइस पे इधर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना कैमरा जो है ना ऑनलाइन शो करवा देगा। इधर क्लिक करेंगे, अभी हमारा कोई भी कैमरा जो है ना हमने अटैच नहीं किया हुआ, तो आपके कैमरे जो है ना वो ऑनलाइन शो हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल CCTV फन को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।